एक छोटे शेर से शुरू करती हूँ। स्वागत है। पिंजरा, पिंजरा छोड़कर, पिंजरा हमारा कंफर्ट जोन है। आप खुद बहुत ही ऐसी खूबसूरत ऑडियंस है कि इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, पिंजरा छोड़ के उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। क्या बात। पिंजरा छोड़कर उड़ने वालों का ठिकाना कोई नहीं, उनका मसीहा सिर्फ आसमां होता है। आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना, आसमां तक पहुंचने का हौसला हो और रास्ते की जद्दोजहद से बेखौफ हो तो उड़ना, एक दिन वक्त और आसमां दोनों तुम्हारे होंगे। वाह, क्या बात। अगला शेर तो अपने बेटे के लिए लिखा है, मगर ये मेरे सारे दोस्तों के नाम, मेरे बहुत सारे दोस्त आपको 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है माइक, आवाज कम आ रही है, और पास आऊं? हाँ नीचे कर दो, बस नीचे। हाँ मेरे ख्याल से बेहतर। लिखा तो बेटे के लिए है, पर इसको अपने सारे दोस्तों के नाम करती हूँ जो यहाँ बहुत सारी संख्या में उपस्थित हैं। फक्र होता है सरोजीत, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर। सुनो ना, सुनो कभी थक जाओ, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास। क्या बात है। तुम्हारा घोंसला हूँ। फक्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, तुम्हारा घोंसला हूँ मैं। क्या बात है, वाह। और यहाँ की ऑडियंस के लिए बिना एक शेर पढ़े मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं, अल्फाज मेरे इबादत का जरिया हैं, तुम तक पहुँच जाएँ तो लगता है दुआ कबूल हो गई। मैं छोटी छोटी चीज़ें सुनाऊंगी, मेरा टाइम जैसे पूरा होगा आसिफ मुझे बता दीजिएगा। नहीं वैसे संगीता जी की 2 दर्जन के करीब किताबें हैं, तो वो तो सुनाने के लिए बहुत कुछ है। नहीं मगर मैं लेकिन टाइम की पाबंदी, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल पाबंदी करेंगी। निभा सका न जो कांटों से, निभा न सका जो कांटों से हक नहीं उसका गुलाब पर। वाह। निभा सका जो न कांटों से हक नहीं उसका गुलाब पर। ऐसी छोटी छोटी चीजें सुनाती हूँ। कल उम्मीदें बोई थी, कल उम्मीदें बोई थी गमलों में। वाह। कल उम्मीदें बोई थी गमलों में, देखे कब खिलती हैं। क्या बात। कल उम्मीदें बोई थी गमलों में, देखें कब खिलती हैं। एक शिकायत भी है और कुछ मोहब्बत भी। मुझसे ना सही किसी और से मोहब्बत कर लो, मुझसे ना सही किसी और से मोहब्बत कर लो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, मुझे भी रश करने के लिए एक रकीब मिल जाएगा। वाह। माहौल को थोड़ा लाइट कर रही हूँ। रूह छूकर जब जिस्म छुएगा तू, रूह छूकर जब जिस्म छुएगा तू, तब राधा बांसुरी बजाएगी। वाह, क्या बात। रूह छूकर जब जिस्म छुएगा तू, तब राधा बांसुरी बजाएगी और कृष्ण सुनेंगे। क्या बात। हैरत है तू रूह तक कभी
पहुंचता ही नहीं, हैरत है। तो रूह तक कभी पहुंचता ही नहीं, रूह तक कभी पहुंचता ही नहीं। कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी दुनिया ने सुनी, राधा राधा की सिर्फ कृष्ण सुन सकते हैं। कृष्ण की बांसुरी सारी दुनिया ने सुनी, राधा की सिर्फ कृष्ण सुन सकते हैं। तू कभी रूह छूकर तो देख, क्या कभी रूह छूकर तो देख। अब मैं आपको, मेरे टाइम जैसे खत्म होगा मुझे बता दिया जाए, एक नज्म सुनाती हूँ किसी बीमार के लिए है। जी हाँ, तुम्हारी तबीयत का सुना जब से, मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? जी। तुम्हारी तबीयत का सुना जब से, चाह रही हूँ तब से, किसी बीमार के लिए है। तुम्हारी तबीयत का सुना जब से चाह रही हूँ तब से, एक सिरे से सब दुनियावी जरूरी गैर जरूरी मसरूफियतें खारिज कर दूँ। तुम्हारी तबीयत का सुना जब से, चाह रही हूँ तब से, एक सिरे से सब दुनियावी जरूरी गैर जरूरी मसरूफियतें खारिज कर दूँ। खामोश बैठी रहूँ तुम्हारे सिरहाने, खामोश बैठी रहूँ तुम्हारे सिरहाने, सोख लूँ तुम्हारी सारी तकलीफ। खामोश बैठी रहूँ तुम्हारे सिरहाने, सोख लूँ तुम्हारी सारी तकलीफ। अपनी उंगलियों के पोरों से धीरे से चूम लूँ तुम्हारी आँखें, अपनी उंगलियों के पोरों से धीरे से चूम लूँ तुम्हारी आँखें, भर दूँ उनमें नींद के बोसे। क्या बात, भर दूँ उनमें नींद के बोसे। तुम्हारे हर बाल पर लिख दूँ अपनी हर अनकही नज़्म, तुम्हारे हर बाल पर लिख दूँ अपनी अपनी हर अनकही नज़्म। निगाहों से छू लूँ तुम्हें, निगाहों से छू लूँ तुम्हें, यूँ कि रोम रोम सुकून से भर जाए। क्या बात, निगाहों से छू लूँ तुम्हें, यूँ कि रोम रोम सुकून से भर जाए। तुम्हारे पाँव तले छुपा दूँ अपनी दुआएं, तुम्हारे पाँव तले छुपा दूँ अपनी दुआएं, कि पलक झपकते तुम्हें आराम आ जाए। तुम्हारे पाँव तले छुपा दूँ अपनी दुआएं, कि पलक झपकते तुम्हें आराम आ जाए। खामोश बैठी रहूं तुम्हारे सिरहाने, चाह रही हूं तब से, तुम्हारी तबीयत का सुना जब से। क्या बात है।